जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन रबी क्रॉप्स, यानी कि जो जितने भी हमारे रबी ऋतु की जितनी भी फसलें होती हैं उनके अंदर हम किस प्रकार से फसल सुधार कर सकते हैं प्रजनन विधियों के माध्यम से, उन सभी बिंदुओं के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम ये देखते हैं कि जितनी भी हमारी रबी ऋतु की फसलें होती हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखी है, जिनका अध्ययन हमें करना है, उनके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो यदि हम सिलेबस का अकॉर्डिंग बात करें, जो हमारे सिलेबस में जितनी भी रबी ऋतु की फसलें हैं वो कौन कौन सी फसलें दे रखी है, तो इसके अंदर यदि हम बात करें तो सबसे पहला आती है हमारे, अगर हम बात करें धान्य फसलें, कौन सी धान्य फसलों की यदि बात करें तो धान्य फसलों में हमारे तीन फसलें दे रखी है। एक दे रखा है इसके अंदर गेहूं, जौ और जई। गेहूं, जौ और जई। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट आता है हमारे इसके अंदर दलहनी फसलें। दलहनी फसलों की यदि हम बात करें तो इनके अंदर दे रखा है हमारे मटर मसूर और चना। कौन कौन सी दे रखी है? मटर मसूर और चना। नंबर थर्ड की बात करें तिलहनी फसलों की, तिलहनी फसलों की यदि हम बात करें तो इसमें हमारे दे रखा है सरसों। कौन कौन सी दे रखा है? तो सरसों दे रखी है, तोरिया दे रखा है और इसके अलावा दे रखा है एक सूरजमुखी। कौन सी दे रखी है? सूरजमुखी, ठीक है ना, कौन सी दे रखी है? सूरजमुखी। नंबर चार की बात करें तो नंबर चार पर आती है हमारे नकदी फसलें। नकदी फसलों में हमारे केवल एक फसल दे रखी है और उस फसल का नाम है गन्ना। क्या नाम है? गन्ना। नंबर पाँच की बात करें तो नंबर पाँच पर आता है एक हमारे दे रखी है सब्जी और उस सब्जी का नाम हो जाएगा आलू। क्या हो जाएगा? आलू, ठीक है। और नंबर छः की यदि हम बात करें तो नंबर छः पर आती है साथियों हमारे चारे वाली। कौन सी? चारे वाली। चारे वाली के अंदर हमें दो याद रखना है, एक तो हो जाएगा हमारे बरसीम। कौन सी हो जाएगी? बरसीम। और एक हो जाएगी हमारे रिजगा, जिसको हम लूसर्न के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्टली हमारे 13 से 14 क्रॉप दे रखी हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारे रबी ऋतु की फसलें हैं और इन फसलों के अंदर हमें क्या करना है? फसल सुधार करना है। अब वो फसल सुधार जो होता है वो अलग अलग उद्देश्य के आधार पर किया जा सकता है, तो वो उद्देश्य थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे। अब इन फसलों के अंदर देखते हैं कि जो हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट करेंगे वो किन किन बिंदुओं के आधार पर करेंगे, तो वो अध्ययन के जो बिंदु हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या उतारना चाहते हो तो फटाफट से इसको उतार लीजिएगा। अब हम इसके अंदर देखते हैं ये जितनी भी फसलें अभी हमने देखी हैं, इन फसलों के अंदर हमें फसल सुधार के अंदर कौन कौन से बिंदुओं को देखना है कि उन बिंदुओं का अंदर हम फसल सुधार कर सकते हैं। तो जो हमारे क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंदर जो बिंदु आते हैं, बिंदु वो कौन कौन से आते हैं, तो नंबर फर्स्ट आता है इसके अंदर बिंदु आता है सभी जितने भी अभी मैंने सारी फसलें बताई, इन सभी फसलों के अंदर हमें ये बिंदुओं के बारे में अध्ययन करना होगा। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारे सभी फसलों की प्रजातियां व गुणसूत्र। पहला जो बिंदु आता है वो क्या आता है? जितने भी अभी हमने फसलें देखी तो उन सभी का कौन कौन सी जंगली प्रजातियां हैं, कौन कौन सी कृषि प्रजातियां हैं, वो सारी प्रजातियां और उनके गुणसूत्र संख्या आ जाएगी, ठीक है। नंबर सेकंड की यदि बात करें तो नंबर सेकंड पर आ जाएगा हमारे इन सभी फसलों का उत्पत्ति केंद्र। इन सभी फसलों का क्या हो जाएगा? उत्पत्ति केंद्र। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा इनका पुष्पीय, नंबर थर्ड पर हो जाएगा पुष्पीय बायोलॉजी। पुष्पीय बायोलॉजी की यानी कि इनका जितने भी अभी हमने फसलें देखी इनका पुष्प किस प्रकार का होता है, इनके अंदर किस प्रकार का परागण होता है या पुष्प से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो हमारे पुष्पीय बायोलॉजी में आती है। और नंबर चार पर आती है प्रजनन उद्देश्य। प्रजनन के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? अलग अलग क्रॉप के अलग अलग प्रजनन उद्देश्य होते हैं, वो हो जाएंगे। और नंबर पाँच पर आता है हमारे प्रजनन विधियाँ। कौन सी आ जाएगी? प्रजनन विधियाँ। और नंबर छः पर आ जाएगा हमारे अन्य। अन्य का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट हो जो पर्टिकुलर क्रॉप को लेकर उस पर कार्य कर रहा हो, तो वो सारा हमारा अन्य के अंदर आ जाएगा। तो ये प्रमुख जितने भी अभी मैंने 13-14 फसलें बताई थी उनके अंदर हमें इन 6 बिंदुओं के बारे में अध्ययन करना होगा। ये सिलेबस के अंदर दे रखा है जो 6 बिंदु। अब हम इन 6 बिंदुओं में से हम किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट के जो ये तीनों बिंदु हैं,
इन तीनों बिंदुओं के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो अध्ययन का बिंदु रहेगा वो कौन सा रहेगा, हमारे अध्ययन के बिंदु, हमारे अध्ययन के जो बिंदु हैं वो कौन से रहेंगे, तो ये तीनों हमारे अध्ययन के बिंदु रहेंगे। कौन कौन से, एक तो हम देखेंगे पुष्पीय बायोलॉजी देखेंगे, प्रजनन उद्देश्य देखेंगे और प्रजनन विधियां देखेंगे। और इनको जो हम देखेंगे वो पर्टिकुलर क्रॉप के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, हम देखेंगे पर्टिकुलर फैमिली के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि किसी भी क्रॉप को हम यदि किसी फैमिली के अंदर रखते हैं तो किसी भी क्रॉप को जो फैमिली के अंदर रखा जाता है तो उनके सेम कैरेक्टर के आधार पर किसी फसल को फैमिली के अंदर रखा जाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, जैसे ग्रामीण फैमिली है, ग्रामीण फैमिली के अंदर कई सारी क्रॉप्स आती है। जैसे हम बात करें गेहूं हो गया, जौ हो गया, जई हो गया, गन्ना हो गया, इसके अतिरिक्त हमारे धान हो गया, मक्का हो गया, ये सारी की सारी, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी की सारी जो भी फसलें वो ग्रामीण कुल के अंदर आती है। जब हम इन सभी फसलों का कैरेक्टर देखते हैं तो इन सभी फसलों के कैरेक्टर लगभग एक समान देखने को मिलते हैं, और जिन फसलों के कैरेक्टर एक समान देखने को मिलते हैं उनको एक फैमिली के अंदर रखा जाता है। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर अभी आपके सामने लिखे हुए हैं इन सभी को हम पर्टिकुलर फैमिली के अकॉर्डिंग देखेंगे, जिससे हमारे कम समय में हमें अधिक अध्ययन सामग्री मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये अगर आप इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो सबसे पहले आता है, हम देखते हैं कि प्रजनन उद्देश्य और प्रजनन विधियों के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं कि ओवरऑल जितने भी हम फसल सुधार करेंगे उन सभी का हमारे प्रजनन का उद्देश्य क्या हो सकता है, उनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। अब जो हम देखने वाले हैं वो एक टॉपिक ले रहे हैं साथियों, और उस टॉपिक का नाम हो जाएगा प्रजनन के उद्देश्य। क्या हो जाएगा, प्रजनन उद्देश्य, कौन सा टॉपिक हो जाएगा, प्रजनन उद्देश्य। और ये जो प्रजनन उद्देश्य है ये किस में हो जाएगा, सभी फसलों के लिए, सभी फसल के लिए, सभी फसल के लिए हम प्रजनन उद्देश्य देखने वाला है, ठीक है ना। सभी फसलों के अंदर जो प्रजनन के उद्देश्य होंगे वो कॉमन पॉइंट कौन कौन से हैं जो हम देखने वाले हैं, जो परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला इसके अंदर जो हमारा प्रजनन उद्देश्य आता है वो कौन सा आता है, तो वो आता है अधिक उपज। क्या आता है, अधिक उपज, अधिक उपज। ये हालांकि ये जो प्रजनन उद्देश्य है ये आपने इससे पहले वाले सेमेस्टर के अंदर भी देखा होगा, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल और केवल हम इनका नाम देखेंगे और वो आप स्वतः से समझ जाओगे। पहला हमारा उद्देश्य हो जाएगा अधिक उपज, दूसरा हो जाएगा समकाल परिपक्वता, दूसरा क्या हो जाएगा, समकाल परिपक्वता, समकाल परिपक्वता। नंबर थर्ड पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे इसके अंदर समकाल परिपक्वता, नंबर थर्ड हो जाएगा शीघ्र परिपक्वता, शीघ्र परिपक्वता। नंबर फोर्थ हो जाएगा रोधिता, ठीक है ना, रोधिता। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो रोधिता जो शब्द मैंने लिखा है ये पर्टिकुलर कई बुकों के अंदर ये जो रोधिता होता है वो अलग अलग फसलों के अंदर अलग अलग दे रखा होता है, लेकिन यहाँ पर हम रोधिता जो होती है वो किस किस के सापेक्ष रोधिता हम लेकर आते हैं प्रजनन उद्देश्य के माध्यम से, प्रजनन विधियों के माध्यम से, तो वो देख लीजिए। तो ये रोधिता होती है किस किस के प्रति हो सकती है, तो कीट के प्रति हो सकती है, रोगों के प्रति प्रतिरोधी हो सकती है, लवण के प्रति प्रतिरोधी हो सकती है, सूखे के प्रति प्रतिरोधी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये प्रमुख चार चीज़ें याद रखना, कीट प्रतिरोधी हो सकती है, रोग प्रतिरोधी, लवण प्रतिरोधी, सूखे के प्रति प्रतिरोधी हो सकती है। तो यहाँ पर एक ही लाइन में याद रखिएगा, रोधिता प्रतिरोधी, ठीक है। इसके नंबर बाद में हम बात करें तो गुणवत्ता, गुणवत्ता सुधार, क्या हो जाएगा, गुणवत्ता सुधार, ठीक है ना। गुणवत्ता सुधार यानी कि जो इसके अंदर कंटेंट होता है, जैसे हम बात करें कई सारी फसलों के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है, किसी में प्रोटीन होता है, किसी में तेल होता है, तो उनके अंदर सुधार करना हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है, यानी कि उनका जो भी कंटेंट होता है उसको बढ़ाना होता है, ये हमारा उद्देश्य होता है। नंबर सिक्स की यदि हम बात करें तो विसरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विसरण हो जाएगा। और नंबर, ठीक है ना, विसरण का शाब्दिक अर्थ होता है जब हम फसल की कटाई करते हैं तब जो बीज बिखर जाते हैं उनको रोकना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, यानी कि उनको बिखरने से रोकना क्या कहलाता है, विसरण। यानी कि हम किसको इंग्लिश के अंदर हम सेल्टरिंग के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, सेल्टरिंग। तो विसरण रोधिता हो जाएगा। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट यदि हम बात करें तो इसके अतिरिक्त हो जाएगा हमारे अनुसंधान में,
ठीक है ना। अगला जो हमारा पर्पज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुसंधान में, ठीक है ना। तो ये प्रमुख ब्रीडिंग के कुछ साथ आपके सामने ये जो उद्देश्य लिखे हुए ये याद रखिएगा, ये हर एक क्रॉप के अंदर आप लिख सकते हो तो भी हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सही माना जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा पहला टॉपिक इसके अंदर कवर होता है प्रजनन के उद्देश्य। पर्टिकुलर फसल के अकॉर्डिंग भी ये जो ब्रीडिंग के पर्पज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो कॉमन पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा तो आपके जितने भी 13 से 14 जो फसलें बताई थी उन सभी के अंदर ये पर्पज काम आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे यहाँ पर कवर होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रीडिंग मेथड देखते हैं, कौन सी देखते हैं, ब्रीडिंग मेथड देखते हैं, ठीक है ना, ब्रीडिंग मेथड देखते हैं। और वो जो ब्रीडिंग मेथड होंगे वो हम किसके आधार पर देखेंगे, तो परागण के आधार पर देखेंगे। किसके आधार पर देखेंगे, परागण के आधार पर। अगला जो हमारा इसके अंदर पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रजनन विधियां, कौन सी हो जाएगी, प्रजनन की विधियां। प्रजनन की विधियों की यदि हम बात करें तो प्रजनन की विधियां सबसे पहले हम देख रहे हैं किसमें, स्वपरागित फसल में, ठीक है ना। स्वपरागित फसलों के अंदर हम जो परागण की जो विधियां होती हैं, सॉरी परागण की नहीं, स्वपरागित फसलों के अंदर जो प्रजनन की जो विधियां होती हैं उन विधियों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो यदि हम विधियों की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वपरागित जो अभी हमने देखी थी 13 से 14 क्रॉप, उनमें से कौन सी स्वपरागित है और कौन सी परपरागित फसल होती है वो हम देखते हैं। उसके बाद में हम उनके अंदर मेथड के बारे में देखेंगे। तो जो हमारे गेहूँ हो गया, जो हो गया, जई, इसके अतिरिक्त हम बात करें मटर, मसूर, चना, सरसों, तोरिया, आलू, और एक हो जाएगा हमारे इसके अंदर तोरिया आलू, और एक हो जाएगा इसके अंदर बरसीम। ये सारी की सारी जो फसलें होती हैं उन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, स्वपरागित फसलें होती हैं, यानी कि इनके अंदर जो परागण जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, हवा के माध्यम से होता है। किनके माध्यम से होता है, हवा के माध्यम से होता है। तो पहला प्रश्न तो ये कंप्लीट होता है कि हो सकता है प्रश्न आ जाएगी निम्न में से कौन सी स्वपरागित फसल है, तो कौन सी हो जाएगी, हमारी सारी की सारी क्या हो जाएगी, स्वपरागित फसलें हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन सभी फसलों के अंदर हम जो प्रजनन के जो विधियाँ होती हैं उन विधियों का उपयोग करके जो अभी हमने उद्देश्य देखे हैं उन उद्देश्यों की हम पूर्ति कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रमुख विधियाँ, प्रमुख विधियाँ देखते हैं। विधियाँ कई प्रकार की होती हैं जो स्वपरागित फसलों के अंदर हम फसल सुधार कर सकते हैं, लेकिन वो उन विधियों को देखेंगे जो हम कॉमनली यूज में लेते हैं और सबसे ज़्यादा उनका उपयोग में लिया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहली विधि आती है हमारे प्योर लाइन सेलेक्शन, जिसको हम शुद्ध वंश क्रम चयन के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे फेमस विधि होती है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के अंदर क्रॉप इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर बल्क मेथड। बल्क मेथड जो होता है, बल्क मेथड को हम हिंदी में इसको पुंज विधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पुंज विधि के नाम से। नंबर थर्ड जो आती है वो आती है इसके अंदर बेक क्रॉस मेथड, कौन सी आती है, बे क्रॉस मेथड, जिसको हम प्रतीप संकरण विधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रतीप संकरण विधि के नाम से जानते हैं। गेहूं के अंदर सबसे फेमस विधि होती है, गेहूं के अंदर अगर आता है तो एक तो प्योर लाइन सबसे फेमस है और एक हो जाएगी हमारे बे क्रॉस मेथड सबसे फेमस होती है। और किसी भी फसल के अंदर अगर हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करनी है तो उसके लिए जो हम विधि काम में लेते हैं कौन सी लेते हैं, बे क्रॉस विधि काम में लेते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे अगली जो विधि हो जाएगी नंबर चार पर, वो हो जाएगी इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, कौन से हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का शाब्दिक अर्थ होता है संकरण, ठीक है ना। संकरण के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, फसल सुधार आसानी से कर सकते हैं। और नंबर पांच की यदि हम बात करें तो नंबर पांच पर आ जाएगा प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन का शाब्दिक अर्थ होता है इसमें पादप पुरस्थापन, क्या होता है, पादप पुरस्थापन। तो ये प्रमुख पांच विधियां होती हैं जो स्वपरागित फसलों के अंदर हम फसल सुधार कर सकते हैं इन सभी विधियों के माध्यम से। और कई सारी होती है लेकिन हमें मेनली पांच याद रखना, ठीक है। इसी के साथ में हमारा जो प्रजनन विधियों के अंदर जो पहला जो पॉइंट था वो हमारे स्वपरागित के अंदर कौन कौन सी विधियाँ होती है प्रजनन की, वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती है। अब इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि इनके अंदर हमें क्या क्या याद रखना है।
प्योर लाइन जो होता है इसके अंदर यदि हम किसी भी प्रकार से क्रॉस करा के कुछ भी करा कर अगर हम नई वेरायटी डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें कितना समय लगेगा हमें? 7 वर्ष का समय लगेगा। हालांकि प्योर लाइन क्या होता है ये मैं अच्छे से बता दूंगा आपको। तो हो सकता है मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि किसी भी क्रॉप का नाम दे दिया, जैसे हम बात करें जौ का नाम दे दिया, उसमें से प्रश्न आ जाए कि जौ का उत्पत्ति केंद्र, गुणसूत्र संख्या और इसकी प्रमुख प्रजातियां तथा इसके प्रजनन के उद्देश्य व प्रजनन विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न आ जाए। तो अब करना क्या है, अगर बड़े में आ जाए तो करना क्या है, सारे जो पॉइंट है उनके बारे में लिखना है। उसके बाद में जैसे हम प्रजनन विधियों पर आएंगे तो उनमें नाम लिखना है कि जो के अंदर प्रजनन विधियां निम्न होती है, ये पांचों लिखना है और इन पांचों में से किसी भी जो आपको अच्छी विधि आती है उसका एक का विस्तार से वर्णन करके आ जाएगा, तो उसमें आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। तो प्योर लाइन किस प्रकार से हम फसल सुधार कर सकते हैं इस विधि के माध्यम से, तो वो मैं आपको बता दूंगा, तो इस विधि को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा कवर होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रजनन विधियों के अंदर पर परागित फसलों के अंदर फसल सुधार की जो विधियां होती हैं वो हम देखते हैं। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हमारे स्वपरागित थी, इनके एग्जाम्पल भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब प्रजनन की विधियां आती है हमारे पर परागित फसलों के अंदर प्रजनन की विधियां। तो हमारे सिलेबस के अंदर जो ये अभी हमने क्रॉप्स देखी थी उनमें से कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर पर परागण होता है वो हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम प्रजनन की विधियों के बारे में देखेंगे। तो इसमें हमारी केवल 3 क्रॉप ऐसी हैं जिनके अंदर पर परागण होता है। पहली तो हो जाएगी हमारे रिजका, कौन सी हो जाएगी, रिजका। दूसरी हो जाएगी इसके अंदर साथियों सूरजमुखी, कौन सी हो जाएगी, सूरजमुखी। और नंबर तीसरी जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगा, गन्ना, ठीक है ना, गन्ना। गन्ना के अंदर इन तीनों फसलों के अंदर जो होता है वो कौन सा होता है, पर परागण होता है, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन होता है, ये हमें ध्यान रखना। और ये जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो किन के माध्यम से होता है, कीटों द्वारा ये पर परागण होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों फसलों के अंदर यदि हमें फसल सुधार करना है हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो उसके लिए हम कौन कौन सी विधियां काम में ले सकते हैं। तो प्रमुख विधियों की यहां पर हम बात करें साथियों, प्रमुख विधियों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर जो विधि आती है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर प्रश्न पूछा जाए कि प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं पर परागित फसलों के अंदर फसल सुधार की, तो 2 सबसे फेमस विधियां हैं उनके नाम याद रखिएगा, उसके बाद में अदर विधि याद रखिएगा। सबसे फेमस की बात करें तो सबसे फेमस आती है समूह चयन, कौन सी आती है, समूह चयन। और समूह चयन जो होता है इसको हम इंग्लिश में मास सेलेक्शन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मास सेलेक्शन के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और नंबर सेकंड जो आती है वो आती है आवर्ती चयन, कौन सी आती है, आवर्ती चयन विधि, ठीक है ना, कौन सी आती है, आवर्ती चयन, जिसको हम इंग्लिश में रेटुरेंट विधि के नाम, रेटुरेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो आवर्ती चयन होती है ये 4 प्रकार की होती है, अभी उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल हम विधियों के नाम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 विधि हो जाएगी, कौन कौन सी, समूह चयन और आवर्ती चयन हो जाएगा, ठीक है, 2 विधियाँ ये होती है। इसके अलावा 2-3 विधियों के वो नाम याद रखना है। तीसरी जो विधि हो जाएगी वो हो जाएगी इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड वेराइटी, ये एक विधि का नाम होता है, डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड वेराइटी, किसके अंदर, हमारे जो क्रॉस पोलिनेटेड जो क्रॉप होती हैं उनके अंदर ब्रीडिंग की जो मेथड होते हैं उसके अंदर तीसरी आती है डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड वेराइटी, ठीक है। और नंबर 4th जो आती है वो आती है डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक वेराइटीज, ठीक है ना। 4 विधियां हो गई। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर आ जाएगा उत्परिवर्तन, कौन सी आ जाएगी, उत्परिवर्तन। हालांकि ये जो उत्परिवर्तन जो विधि होती है ये हम सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के अंदर भी काम में ले सकते हैं, ऐसी कई सारी फसलें हैं जिनके जो स्वपरागित होती है और उनके अंदर भी हम उत्परिवर्तन की सहायता से नई किस्में विकसित की हैं,
तो ये दोनों के अंदर आप लिख सकता हूँ, लेकिन जो मोस्टली जो उत्परिवर्तन का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है पर परागित फसलों के अंदर किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट और बात करें तो नंबर छः पर हो जाएगी नरबंध्यता भी एक विधि होती है सीड प्रोडक्शन की, वो हमें याद रखना है। नरबंध्यता के अंदर जो हम काम में लेते हैं वो लेते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी विधि का उपयोग करके हम आसानी से पर परागित फसलों के अंदर फसल सुधार कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। तो दो टॉपिक कंप्लीट हो गए, एक तो प्रजनन के उद्देश्य और दूसरा हो जाएगा हमारे प्रजनन की विधियाँ, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट होते हैं। इनमें से मैं एक तो परपरागित के अंदर इनमें से हम देख लेंगे समूह चयन, या फिर हम बात करेंगे आवर्ती चयन में से एक मेथड देखेंगे, और जो हमारा स्वपरागित है उसमें से हम केवल एक विधि के बारे में देखेंगे, प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में हम देखेंगे। तो ये इसी के साथ में हमारा दूसरा टॉपिक कवर होता है। अब हमारा जो तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे इसके अंदर आता है फ्लोरल बायोलॉजी, ठीक है ना। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम फ्लोरल बायोलॉजी के ऊपर डिस्कस करते हैं। फ्लोरल बायोलॉजी, अब यहाँ पर हम फ्लोरल बायोलॉजी की यदि बात करें साथियों, तो फ्लोरल बायोलॉजी को समझने से पहले हमें पुष्प की जो संरचना होती है उस संरचना को हमें अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में हम पुष्प से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर फ्लोरल बायोलॉजी के अंदर जो हमारे क्रॉप्स दे रखी है उनके अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने वो ध्यान रखने। तो आज के सेशन के अंदर हम केवल और केवल फ्लोरल बायोलॉजी के अंदर किस प्रकार से हम फ्लोरल बायोलॉजी का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, उसका पैटर्न समझेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पर्टिकुलर फैमिली का अकॉर्डिंग फ्लोरल बायोलॉजी को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर थर्ड पर, वो क्या हो जाएगा, पुष्पीय बायोलॉजी। कौन सा हो जाएगा, पुष्पीय बायोलॉजी, ठीक है ना। अब हम पुष्पीय बायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हमें पुष्प की जो संरचना होती है वो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि पुष्प की जो संरचना होती है उसी के आधार पर हम फ्लोरल बायोलॉजी जो होती है किसी भी क्रॉप की उस पॉइंटों को हम सीक्वेंस से बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, तब जाकर हमारी फ्लोरल बायोलॉजी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा पुष्प का डायग्राम बना रहा हूँ, उस पुष्प के डायग्राम के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम पुष्प की संरचना की बात करें, यहाँ पर पुष्पीय बायोलॉजी के अंदर पुष्प की संरचना, तो कोई भी फसल का पुष्प होता है उसके कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। किसी भी पुष्प के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो भाग होता है सहायक भाग, जिसको हम सहायक अंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। याद ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, संरचना के अंदर बात करें दो भाग होते हैं, सहायक भाग या इसी को हम कह सकते हैं सहायक अंग, और दूसरा होता है इसके अंदर आवश्यक अंग या आवश्यक भाग। दो भाग होते हैं, सहायक अंग और एक हो जाएगा आवश्यक अंग या आवश्यक भाग हो जाएगा, ठीक है ना। अब सहायक अंग और जो आवश्यक अंग होते हैं ये फिर आगे जाकर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सहायक की बात करें तो इसके अंदर आता है बाह्य दलपुंज। कौन सा आता है, बाह्य दलपुंज। वो दूसरा आता है इसके अंदर दलपुंज। कौन सा आता है, दलपुंज, ठीक है। और आवश्यक की बात करें तो आवश्यक अंग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इसके अंदर पुमंग और दूसरा होता है जायांग। कौन कौन होता है, पुमंग और जायांग होता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, सहायक के अंदर दो भाग आते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ठीक है, और आवश्यक अंग के अंदर आते हैं पुमंग और जायांग आते हैं। नेक्स्ट बात करें इसको हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, तो बाह्य दलपुंज को हम इंग्लिश में कैलिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कैलिक्स के नाम से जानते हैं। और दलपुंज को हम कोरोला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोरोला, ठीक है। दलपुंज को हम कोरोला के नाम से जानते हैं। पुमंग जो होता है, पुमंग को हम एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, हम पुमंग को हम एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। और जो जायांग जो होता है, जायांग को हम गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गाइनोसियम के नाम से जानते हैं।
पुमंग को एंडोसियम और जायांग को गाइनोसियम के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम इनकी इकाई की बात करते हैं। ठीक है ना, इनकी यदि हम इकाई की बात करें, जो बाह्य दल पुंज होता है इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, सेपल होती है। क्या होती है, सेपल। इसकी जो इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है, सेपल कहा जाता है। दल पुंज की जो इकाई होती है इसकी इकाई को हम पेटल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेटल। ध्यान से सुनना, बाह्य दल पुंज की जो इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है, सेपल कहा जाता है। दल पुंज की जो इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है, पेटल कहा जाता है। और कई सारे पौधे ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनना अब मैं जो बताने वाला हूँ, कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो हमारे बाह्य दल पुंज और जो दल पुंज जो होता है उनको हम आसानी से पहचान नहीं सकते। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, ग्रामीणी जो फैमिली होती है, ध्यान से सुनना, ग्रामीणी फैमिली के अंदर क्या होता है, बाह्य दल पुंज और दल पुंज जो होते हैं वो क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बाह्य दल पुंज व दल पुंज की हम आसानी से पहचान नहीं कर सकते। और जब ऐसी कंडीशन बन जाती है, जब बाह्य दल पुंज और दल पुंज को हम आसानी से नहीं पहचान सकते, तब उस टर्म को एक नया टर्म नाम दिया जाता है और उसको कहा जाता है पेरियंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरियंत। क्या कहा जाता है, पेरियंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरियंत। पेरियंत की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो याद ध्यान से सुनना, कैलिक्स, जो हमारा ये कैलिक्स है, प्लस कोरोला, प्लस कोरोला को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, पेरियंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरियंत कहा जाता है। ध्यान से सुनना, जब अलग अलग होंगे तो उनको हम बाह्य दल पुंज और दल पुंज, जैसे हम बात करें जो हमारा फेबेसी जो कुल होता है, जैसे वो हो गया, उसके अंदर मटर हो गया, चना हो गया, इनके अंदर बाह्य दल पुंज होते हैं, दल पुंज दोनों पृथक पृथक होता है, अलग अलग होते हैं। लेकिन जो ग्रामीण फैमिली होती है उसके अंदर बाह्य दल पुंज और दल पुंज दोनों अलग अलग होते हैं, और जब बाह्य दल पुंज और दल पुंज दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं या उनकी हम आसानी से पहचान नहीं कर सकते, और ऐसी संरचना को हम किस नाम से जानते हैं, पेरियंत कहते हैं। तो पेरियंत की परिभाषा क्या हो जाएगी, कैलिक्स और कोरोला का जो संयुक्त रूप होता है वो क्या कहलाता है, पेरियंत कहलाता है। और इस पेरियंत की जो यूनिट होती है, पेरियंत की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है, टेपल कहलाती है। क्या कहलाती है, टेपल कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पेरियंत की जो इकाई होती है वो क्या होती है, टेपल होती है। क्या होती है, टेपल होती है, ये याद रखिएगा। अगर पर्टिकुलर सेपरेट सेपरेट पूछा जाए कि बाह्य दल पुंज की इकाई क्या होती है, सेपल होती है, दल पुंज की इकाई क्या होती है, पेटल होती है, और अगर इन दोनों को सम्मिलित रूप से मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होता है, पेरियंत का निर्माण होता है, और पेरियंत की जो इकाई होती है वो क्या होती है, टेपल होती है, ये याद रखिएगा। तीन प्रश्न यहाँ पर हमारे कवर होते हैं। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, पुमंग की बात करें, पुमंग की जो इकाई होती है वो क्या होती है, पुंकेसर होती है। क्या होता है, पुमंग की जो इकाई होती है वो क्या होता है, पुंकेसर होता है। और जो जायांग की जो इकाई होती है वो क्या होता है, स्त्री केसर होता है। कौन होता है, कौन सा होता है, स्त्री केसर होता है, ये हमें ध्यान रखना। पुमंग की इकाई पुंकेसर होता है और जायांग की जो इकाई होती है वो क्या होता है, स्त्री केसर होता है। अब पुंकेसर के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, तो याद रखिएगा पुंकेसर के अंदर मुख्य रूप से तीन भाग आते हैं। कौन कौन सा, एक तो आता है इसके अंदर आता है पुतंतु, और इसके अतिरिक्त आता है इसके अंदर पराग कोष, और एक आता है इसके अंदर पराग कण। जो हमारा पुंकेसर होता है उसके अंदर कौन कौन सा आता है, पुतंतु आता है, पराग कोष आता है, और एक आता है पराग कण आता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें स्त्री केसर की, तो स्त्री केसर के अंदर आने वाले कौन कौन से भाग हैं, इसके अंदर आता है, एक तो आता है वर्तिकाग्र, एक आता है इसके अंदर वर्तिका, ठीक है, और एक आता है इसके अंदर अंडाशय। क्या आता है, अंडाशय, ठीक है। ये स्त्री केसर के अंदर आने वाले तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इन सभी भागों को संयुक्त रूप से किसके नाम से जाना जाता है, पुष्प की संरचना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पुष्प की संरचना के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पुष्प की संरचना के अंदर कौन कौन से भाग उपस्थित होते हैं। अब हम इन सभी जो मैंने ये नाम बताए, इन नाम को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये सारे के सारे जो भाग होते हैं वो पुष्प के अंदर कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम इसका डायग्राम देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये हमने पुष्प की जो संरचना होती है उसकी हमने तथ्यात्मक जानकारी देखी, अब हम इसको एक पूरा एक ओवरव्यू के रूप में देखते हैं। तो जो हमारा जो पुष्प होता है वो किस प्रकार का होता है, कि जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है।
पुष्प की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है, ठीक है ना, इस प्रकार से होती है। ये पुष्पी संरचना ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक पुष्प की संरचना होती है। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सा भाग कहां पर स्थित होता है। तो जो आपको ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, जिसको हम इंग्लिश में कैलिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैलिक्स। किस नाम से जानते हैं इसको? कैलिक्स के नाम से जानते हैं। अब इसके जो ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं दल पुंज। किस नाम से जानते हैं? दल पुंज के नाम से। और इसको इंग्लिश में हम कोरोला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोरोला के नाम से जानते हैं। अब इसके जो ऊपर वाला ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो भाग होता है, इसको हम बोलते हैं पुमंग के नाम से जानते हैं। ये जो पूरा जो भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं? पुमंग कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम? पुमंग के नाम से जानते हैं। और इस पुमंग के अंदर ही मैंने तीन नाम बताए थे। पहला बताया था आपको पराग कोष, तो ये हो जाएंगे हमारे पराग कोष, ठीक है, पराग कोष। और ये जो पराग कोष जो होते हैं, ये जिस नलिका से जुड़े रहते हैं उसे हम बोलते हैं पुतंतु। पुतंतु के नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है। और पराग कोष जो होते हैं, इनके अंदर दाने जैसी इस प्रकार से संरचना पाई जाती है। इन दाने जैसी जो संरचना होती है, इनको हम पराग कण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पराग कण के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। और उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये जो आपको पाली जैसा दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र। किस नाम से जानते हैं इसको? वर्तिकाग्र। और ये जो नली जो दिखाई दे रही है आपको पतली, इस नली को बोलते हैं हम वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका, ठीक है। और ये जो बीच में आपको ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम बोलते हैं अंडाशय। किस नाम से जानते हैं? अंडाशय, इसको हम बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? बीज पाया जाता है, ठीक है। और जहाँ पर आपको ये जो अंडाशय जो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये अंडाशय धारित है, उसको हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस, इसको क्या बोलते हैं? थैलेमस, या थैलेमस को हम हिंदी में पुष्पासन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं थैलेमस को? पुष्पासन के नाम से जानते हैं। थैलेमस को हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन का शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? ऐसा आसन जिस पर पुष्प विराजमान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन कहते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? थैलेमस पुष्पासन हो गया। और जो पुष्प के जितने भी अन्य भाग है वो किस पर आधारित हैं? तो वो पुष्पासन पर आश्रित हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। और इसको हम इंग्लिश में थैलेमस के नाम से जानते हैं। तो ये ओवरऑल एक पूरे पुष्प की संरचना होती है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, इसके अंदर जो हमें पॉइंट याद रखने हैं कि किस सीक्वेंस में हम फ्लोरल बायोलॉजी को जब हम अध्ययन करते हैं या फिर हम तथ्यात्मक रूप से लिखते हैं, वो किस रूप में लिखते हैं? तो हम सबसे पहले जो जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम पुष्प किस प्रकार का, उसके बारे में लिखते हैं, फिर बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज के बारे में लिखते हैं, फिर पुमंग के बारे में लिखते हैं, फिर हम जायांग के बारे में लिखते हैं, और फिर हम लिखते हैं थैलेमस के बारे में, और फिर इनके अंदर लिखते हैं परागण के बारे में, ठीक है ना। तो ये पूरा एक ओवरव्यू होता है जो हमें याद रखना। अब ये जो आपके सामने पुष्प का जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस पुष्प के आधार पर पौधों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, तो उनके बारे में हम देखते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसके अंदर देखते हैं, इस पुष्प की जो संरचना थी, इस पुष्प की संरचना के आधार पर पौधों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। पहला जो आता है वर्गीकरण के अंदर पुष्पीय संरचना के आधार पौधे, उसका नाम आता है द्विलिंगी, जिसको हम बोलते हैं द्विलिंगिता, द्विलिंगिता, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाई सेक्सुअल। किस नाम से जानते हैं इसको? हम बाई सेक्सुअल के नाम से जानते हैं। बाई सेक्सुअल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऐसा पौधा जिसके अंदर दोनों पुष्प उपस्थित होते हैं, यानी नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों उपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी अवस्था या बाई सेक्सुअल कहते हैं। बाई
सेक्सुअल। बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं? तो ऐसा पौधा जिसके अंदर क्या हो, ऐसा पौधा जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो, जिस अवस्था को हम द्विलिंगी अवस्था के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? द्विलिंगी अवस्था के नाम से जानते हैं। ऐसे पौधा जिसके अंदर दोनों लिंग उपस्थित हो उसे हम किस नाम से जानते हैं? द्विलिंगीता पौधा, या फिर उसको हम बाइसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, किस नाम से जानते हैं? द्विलिंगी के नाम से जानते हैं। द्विलिंगी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक ही पौधे के अंदर नर भी उपस्थित होगा और मादा भी उपस्थित होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। यदि हम बात करें जो द्विलिंगी जो पौधा होता है उसके अंदर किस प्रकार का परागण होता है, ये याद रखिएगा। जितने भी हमारे द्विलिंगी पौधे होते हैं उनके अंदर क्या होता है? स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण होता है। और ये जो स्वपरागण होता है किसके माध्यम से होता है? हवा द्वारा होता है। किसके माध्यम से होता है? हवा द्वारा होता है। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको स्वपरागित फसलों के नाम बताए थे, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, जई हो गया, आलू हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, चना हो गया। ये जितने भी मैंने नाम बताए थे वो सारे के सारे कैसे होते हैं? द्विलिंगी पुष्प होते हैं, यानी कि उनका ये पौधा एक ही होगा लेकिन उनके अंदर नर भी होगा और मादा भी होगा, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, द्विलिंगी जो पौधा होता है उसके अंदर नर व मादा दोनों उपस्थित होते हैं लेकिन उनकी पोजिशन अलग अलग हो सकती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो उनमें कौन सा परागण होता है? स्वपरागण होता है। और किसके माध्यम से होता है? हवा के माध्यम से होता है, ये हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट जो प्रकार आता है पुष्प के आधार पर पौधे का प्रकार, वो आता है एकलिंगीता, जिसको हम यूनिसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यूनिसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। तो यूनिसेक्सुअल के अंदर कौन क्या हो जाएगा परिभाषा इसकी? वह पौधा जिसमें वह पौधा जिसमें एक लिंग उपस्थित हो, एक लिंग उपस्थित हो, तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं? एकलिंगीतरफी या यूनिसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। और ऐसे पौधे जो होते हैं उनमें जो परागण की जो क्रिया होती है, उनमें जो परागण की जो क्रिया होती है वो कैसी होती है? पर परागण होता है। कैसा होता है उनके अंदर? पर परागण, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन होता है। और ये जो किसके माध्यम से होता है? कीटों द्वारा होता है। ये जो परागण होता है वो होता है किसके माध्यम से? कीटों के द्वारा होता है, ये हमें ध्यान रखना। और कीटों में भी मेनली जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? मधुमक्खी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मधुमक्खी हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना। कौन हो जाएगा? मधुमक्खी हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सूरजमुखी हो गया, रिजिका हो गया, इन सभी में क्या पाया जाता है? एक लिंगता, यानी कि यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? केवल एक लिंग होता है। या फिर हम बात करें नर होगा या फिर मादा दोनों हो सकते हैं, तो ये इसमें जो परागण होता है वो कौन सा? पर परागण होता है और कीटों द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये हमें ध्यान रखना। अब जो हमारे ये यूनिसेक्सुअल आता है या फिर एक लिंगता आता है, इसके आधार पर पुष्पों को दो भागों में बांटा जाता है। ये जो एक लिंगता आता है इसके आधार पर जो पुष्प होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। इसके आधार पर जो पुष्प होते हैं, पुष्प कितने? दो प्रकार के पुष्प होते हैं। एक लिंगता के आधार पर पहले तो हमने क्या किया था? पुष्प के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया था। ध्यान से सुनना, पहले हमने संरचना देखी थी, उस संरचना के अंदर हमने देखा था संरचना के आधार पर, फिर पुष्प के आधार पर पौधों को हमने दो भागों में बांटा था। ऐसे पौधे जिनके अंदर दोनों पुष्प उपस्थित होते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों आते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, या फिर द्विलिंगी पौधे कहलाते हैं। और एक लिंगता जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है? एक पुष्प उपस्थित होता है जिसके अंदर नर व मादा दोनों उपस्थित हो सकते हैं, उसको हमने क्या नाम दिया था? एक लिंगता नाम दिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं जो एक लिंगता होती हैं उसके आधार पर पुष्पों को कितने दो भागों में बांटा गया है। पुष्पों को दो भागों में बांटा गया है। एक आता है इसके अंदर मोनोसियस पुष्प। कौन कौन सा आता है? मोनोसियस, जिसको हम इंग्लिश में द्विलिंगी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिसको हम हिंदी में द्विलिंगी कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। मोनोसियस पहला प्रकार हो जाएगा, मोनोसियस, जिसको हम हिंदी में द्विलिंगी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, ध्यान से सुनना। मोनोसियस क्या होता है? पुष्प तो एक होगा, वह पुष्प, पुष्प तो क्या होगा? एक पुष्प। परिभाषा हो जाएगी, पुष्प तो क्या होगा? एक होगा, लेकिन उस पुष्प में
लेकिन उस पुष्प में नर व मादा, नर पुष्प व मादा पुष्प दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ध्यान से सुनना, परिभाषा इंपॉर्टेंट है। मोनोसीएस की क्या परिभाषा होता है, मोनो का अर्थ क्या होता है, एक होता है, और सीएस और इसमें क्या होता है, द्विलिंग। हिंदी की बात करें द्विलिंग, यानी कि ऐसा पुष्प जिसके अंदर दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प या फिर मोनोसीएस पुष्प के नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा परिभाषा, पुष्प एक होगा लेकिन उस पुष्प के अंदर नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसीएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है हमारे डायोसीएस, डायोसीएस फ्लावर या डायोसीएस पुष्प, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में एक लिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एक लिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, पुष्प तो क्या होगा, एक होगा और उस पुष्प के अंदर या तो एक एक नर होगा या फिर दूसरा मादा हो सकता है, यानी कि दोनों उपस्थित रहेंगे, दोनों उपस्थित नहीं रहेंगे, केवल एक उपस्थित रहेगा। तो एक पुष्प जिसमें केवल नर या फिर मादा उपस्थित होंगे, यानी कि अगर नर उपस्थित है तो मादा अनुपस्थित होगी, अगर मादा उपस्थित है तो फिर वो नर जो जननांग होते हैं वो क्या होंगे, उसके अंदर एब्सेंट होंगे, ये हमें ध्यान रखना। इसी को क्या कहा जाता है, एक लिंगी या फिर डायोसीएस के नाम से जानते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, पपीता हो गया, खजूर हो गया, हमारे पालक हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। इनके जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, यानी कि उनके अंदर या तो नर होगा या फिर मादा होगा, ठीक है ना। तो उसको हम एक लिंगी अवस्था कहते हैं और एक लिंगी को हम इंग्लिश में डायोसीएस के नाम से हम जानते हैं। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पुष्प से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो हमें कौन कौन सी जानकारी याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको ये जानकारी समझ में आई है तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि फ्लोरा बायोलॉजी, अब हमने कंप्लीट देख ली कि पुष्प की संरचना किस प्रकार से होती है, कौन सा भाग कहाँ पर होता है और उसके आधार पर पौधों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है और पुष्प किस प्रकार के होते हैं, सारा चीज़ हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम देखते हैं कि कंप्लीट फ्लोरल बायोलॉजी जो होती है उसको हमें किस सीक्वेंस में लिखना है, कि सबसे पहले कौन सा टॉपिक आएगा, उसके बाद में कौन सा टॉपिक, उसको हम एक सीक्वेंस यानी क्रम से देखते हैं कि किस प्रकार से हमें ब्रीडिंग के अंदर जब हम फसल सुधार का कार्य करते हैं प्रजनन विधियों के माध्यम से, तो किस प्रोसेस से होकर हम अल्टीमेटली जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य की हम पूर्ति कर सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं जो हमारा इसी में जो टॉपिक आता है वो आता है पुष्पीय बायोलॉजी का क्रम, कि जब एग्जाम के अंदर मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि किसी भी फसल की पुष्पीय बायोलॉजी या फ्लोरल बायोलॉजी का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो उसके लिए हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है तब जाकर हमारी फ्लोरल बायोलॉजी कंप्लीट होगी। तो उसके अंदर सबसे पहले हमें याद रखना है, पहला जो पॉइंट अभी मैं केवल इसका पैटर्न बता रहा हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कंप्लीटली फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें याद रखना है पुष्प क्रम, पुष्प क्रम किस प्रकार का है, जैसे हम बात करें कैरियोप्सिस प्रकार का है या फिर रेसिम प्रकार का है, साइमोज है या फिर रेसिमोज, किस प्रकार का उसका पुष्प का क्रम होता है वो हमें याद रखना, ठीक है। नंबर सेकंड जो पॉइंट आएगा वो आएगा पुष्प, नंबर जो सेकंड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, पुष्प, यानी कि पुष्प किस प्रकार का है, अभी पुष्प किस प्रकार का होता है वो यहाँ पर हमें ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हम बात करें द्विलिंगी है या नहीं है, मैंने अभी आपको बताया ना पुष्प कैसा होता है, द्विलिंगी होता है, यानी कि द्विलिंगी अवस्था किसे कहते हैं, जब एक ही पौधे के अंदर नर और मादा पुष्प जो होते हैं वो दोनों उपस्थित होते हैं। जैसे जो स्वपरागित जितनी भी फसलें होती हैं वो कैसे होते हैं, द्विलिंगी पुष्प पाए जाते होते हैं, तो उनकी जो विशेषता हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, द्विलिंगी पुष्प होता है। जैसे जो हो गया, गेहूँ हो गया, जय हो गया, इनके अंदर जो पुष्प होता है वो कैसा होता है, द्विलिंगी होता है, तो ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना, ये उनका कैरेक्टर होता है। इसी के अलावा हम बात करें जो पुष्प होता है उसको जब हम काटते हैं तब वो किस प्रकार से कटता है, यानी कि अगर एक बार कटता है, जो मान लीजिए ये हमारा एक पुष्प है, ठीक है ना, ये हमारा एक पुष्प है, ये एक हमारा पुष्प हो गया। अब इस पुष्प को हम काटना चाहते हैं तो पुष्प किस तरह से कटता है, अगर पुष्प मान लीजिए एक बाग में कट रहा है, एक जब हम पुष्प को काटते हैं तो एक बार काटते हैं, तो अगर एक बार कटता है तो ऐसे पुष्प को हम एक व्यास समित के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, एक व्यास
सममित के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक व्यास सममित के नाम से जानते हैं। और इसका जो प्रतीक चिन्ह जो होता है वो कैसा होता है? इस प्रकार का इसका प्रतीक चिन्ह होता है। जो अब हम पुष्प सूत्र लिखते हैं तब उसके अंदर कंसिडर ये किया जाता है, ठीक है। अगर जो पुष्प है वो कई बार कट जाता है, यानी कि उसको हम इस प्रकार से भी काट सकते हैं, इस प्रकार से काट सकते हैं, इस प्रकार से, यानी कि जब जो पुष्प जो होता है वो कई भागों में कट जाता है या फिर उसको हम कई दिशाओं से काट सकते हैं, तो ऐसी दशा को पुष्प की हम उसको हम त्रिज्या सममित के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? त्रिज्या सममित के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? त्रिज्या सममित के नाम से जाना जाता है। तो जो पुष्प जो होता है वो कैसा हो सकता है? तो द्विलिंगी हो सकता है, एक व्यास सममित हो सकता है या फिर त्रिज्या सममित हो सकता है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो कैसा होता है? इस प्रकार से इसका प्रतीक चिन्ह होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये हम किसमें लिखते हैं? ये जब हम पुष्प सूत्र लिखते हैं तब उसके अंदर इसको कंसिडर किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पुष्प को काटने के आधार पर एक व्यास सममित हो सकता है और त्रिज्या सममित दोनों प्रकार का हो सकता है। एक व्यास का शाब्दिक अर्थ होता है पुष्प को हम एक ऐसा बिंदु होगा जिसमें पुष्प को हम केवल एक बार काट सकते हैं और उसके बाद में जो पुष्प होगा वो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। त्रिज्या सममित का अर्थ होता है कि पुष्प को हम कहीं से भी काटेंगे तो वो दो बराबर भागों में ही कटेगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है पुष्प हो गया। अब जो पुष्प जो होता है उसका हमने कैरेक्टर देख लिया, उसके बाद में हमको अब पुष्प के जो आंतरिक जो संरचना होती है उस संरचना के बारे में हमें याद रखना। जैसे मैंने आपको बताया था पहले हमें सहायक अंगों के बारे में लिखना होगा, फिर आवश्यक अंगों के बारे में, फिर अंदर से अंदर चलता रहना है, ठीक है। तो उसके बाद में तीसरा जो बिंदु आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे किसके? बाह्य दल पुंज की। जो पुष्प जो होता है वो उसके अंदर बाह्य दल पुंज की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो 5 बाह्य दल हो जाएंगे। अब वो जुड़े हुए हैं या फिर अलग अलग हैं? तो अगर जुड़े हुए हैं तो उनको हम लिखेंगे 5 बाह्य दल संयुक्त दली हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो वो हमारे हम उनको लिखेंगे स्वतंत्र बाह्य दल पुंज बाह्य दल हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से उनके बारे में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 4 पर जो हमारा फ्लोरोबायोलॉजी के अंदर जो क्रम आ जाएगा वो आ जाएगा किसका? दल पुंज का। अब दल पुंज कैसे हैं? जैसे मैंने अभी बताया बाह्य दल पुंज के बारे में, उसी प्रकार हमें दल पुंज के बारे में लिखना। दल कितने? 4 है, 5 है, आपस में जुड़े हुए हैं, एक स्वतंत्र है या फिर उनमें से 2 जुड़े हुए हैं, 2 स्वतंत्र हैं, 1 जुड़ा हुआ है, 3 स्वतंत्र है। तो वो कैसे हैं उनके बारे में हमको लिखना है, ठीक है। नंबर 5 पर आ जाएगा हमारे पुमंग के बारे में। जैसे हम बात करें पुमंग कैसा है, अगर इनकी संख्या कितनी है? 9 है, 10 है, या फिर हम बात करें 3 है, 6 है, उनकी संख्या कैसी है? अब वो जुड़े हुए हैं या फिर पृथक है, वो सारी चीज़ इसमें लिखी जाती है। जैसे हम बात करें जो ग्रामीणी फैमिली होती है उनके अंदर जो पुमंग की जो संख्या होती है वो 3 होती है, और तीनों जो होते हैं वो आपस में किसी में जुड़े हुए होते हैं, किसी में अलग अलग होते हैं, तो वो याद रखना, ठीक है। उसके बाद में नंबर 6 जो क्रम आएगा वो कौन सा आ जाएगा? जायांग का। कौन सा क्रम आ जाएगा? जायांग की बात करें तो जायांग में जो मादा भाग होते हैं उनके बारे में लिखना है। तो उसके अंदर वर्तिका किस प्रकार की है? एक अंडपी है या जो अंडाशय है वो उसके अंदर अंडों की संख्या 1 है, 2 है या 3 है? तो उसके आधार पर अंडाशय को लिखा जाता है एक अंडपी, द्वि अंडपी और त्रि अंडपी के नाम से जाना जाता है। और वो किससे आधारीय भाग से जुड़ा हुआ है या नहीं है वो सारी चीज़ किस में लिखी जाती है? जायांग के अंदर लिखी जाती है। ये सारे के सारे पुष्प के आंतरिक भाग होते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर लिखा जाता है परागण का प्रकार, कि इनके अंदर परागण किस प्रकार का हो रहा है। जैसे फसल का कोई भी नाम दे दिया, जैसे हम बात करें जौ का नाम दे रखा है, तो जौ के बारे में सारी चीज़ हमको लिखनी होगी। उसके बाद में हमें परागण लिखना होगा कि किस प्रकार, स्वपरागण होता है, परपरागण होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? जैसे हम बात करें जौ के अंदर कैसा होता है? स्वपरागण होता है, तो स्वपरागण लिखना है। और ये जो परागण होता है किसके माध्यम से होता है? हवा के माध्यम से होता है, तो हवा के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, पानी के माध्यम से होता है, तो पानी के माध्यम से लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 8 पर आता है इसका पुष्प सूत्र जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है? मैं अभी किसी का नाम नहीं बता रहा हूँ, केवल मैं उसका पैटर्न लिख के बता रहा हूँ कि हमें इस सीक्वेंस से लिखना है। पुष्प सूत्र जो लिखा जाता है वो इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है। किस सीक्वेंस में लिखा जाता है? इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है। और वो जो स्टार्ट किया जाता है कहाँ से किया जाता है? पुष्प की जो संरचना होती है उसके आधार पर किया जाता है। जैसे हम बात करें अगर कोई भी पुष्प जो होता है उसके अंदर अगर सहपत्र उपस्थित है या नहीं है, या फिर उसके अंदर सहपत्रिका उपस्थित है, तो उनको अलग अलग लिखा जाता है। जैसे हम बात करें कोई भी पुष्प है उसके अंदर अगर सहपत्र उपस्थित है, सहपत्र जो होते हैं इसको हम इंग्लिश में ब्रैक्टीएट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्रैक्टीएट के नाम से जानते हैं। जो सहपत्र होते हैं उनको हम इंग्लिश में ब्रैक्टीएट के नाम से जानते हैं। तो अगर किसी पुष्प के अंदर सहपत्र उपस्थित है तो शॉर्ट फॉर्म हम BR लिखेंगे,
ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, बीआर लिखेंगे, अगर नहीं है तो बिल्कुल छोड़ देंगे, और अगर सहपत्र जो होता है उसकी जगह अगर सहपत्रिका उपस्थित होती है तो इसकी जगह हम लिखेंगे बी आर एल लिखेंगे, अगर सहपत्र है तो बी आर, अगर सहपत्रिका है तो बी आर एल लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा पुष्प किस प्रकार का है, एक व्यास समेत है, तो मैं यहाँ पर आपको पूरा पुष्प सूत्र लिख के बता देता हूँ। मान लीजिए हमने जो पुष्प लिया है उसके अंदर बी आर यानी कि जो सहपत्र है वो उपस्थित है, तो हम क्या लिखेंगे पुष्प सूत्र के अंदर बी आर लिखेंगे, ये बी आर लिखा। अब उसके बाद में जो पुष्प है वो किस प्रकार का है, एक व्यास समेत है, त्रिज्य समेत है, किस प्रकार का है, तो मान लीजिए हमने जो पुष्प लिया था वो एक व्यास समेत था, ठीक है ना, तो हमारा जो पुष्प था वो कैसा था, एक व्यास समेत, तो ये हमने एक व्यास समेत का चिन्ह लगा दिया। अब एक व्यास समेत था, उसके बाद में आता है पुष्प कैसा है, एकलिंगी है या फिर द्विलिंगी है। मान लीजिए हमारा पुष्प जो होता है वो द्विलिंगी होता है, तो द्विलिंगी का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो ये क्या होता है, ये द्विलिंगी का प्रतीक चिन्ह होता है, ये हमने बना दिया। उसके बाद में क्या आता है, हमारे बाह्य दल पुंज आता है, बाह्य दल पुंज को हम किस नाम से जानते हैं, कैलिक्स के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, कैलिक्स के नाम से जानते हैं, और इसको हम कोरोला के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इसको हम कोरोला के नाम से जानते हैं। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर, कैलिक्स जो होता है उसको पुष्प सूत्र के अंदर कैसे डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है, ये याद रखिएगा, कैलिक्स जो होता है उसको कैसे डिनोट किया जाता है। तो अब इसकी संख्या कितनी है, संख्या पाँच है, पाँच लिख दिया हमने संख्या, मान लीजिए जो हमारा बाह्य दल पुंज था वो कितनी संख्या में था, पांच संख्या में था, तो पांच लिख दिया हमने, और वो अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे कोष्ठक में बंद कर देंगे। ध्यान से सुनना जो मैं अब यहाँ पर बताने वाला हूँ, अगर मान लीजिए केवल संख्या दे रखी है, बाह्य दल पुंज की पाँच दे रखी है, तो ये हमने बना दिया यहाँ पर पाँच बना दिया, ठीक है। अगर ये जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको कोष्ठक में बंद कर देंगे। और मान लीजिए इस दशा में नहीं है और इनकी जो संख्या है वो कितनी है, पाँच है, लेकिन ये क्या है, आपस में पृथक हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एक प्लस दो प्लस दो, इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी हो गई, पाँच हो गई। अब ये जो होते हैं इनमें से हो सकता है कि तीन पृथक हो और दो आपस में जुड़े हुए हों, तो दो अगर जुड़े हुए तो ये हमने जुड़ा हुआ का प्रतीक चिन्ह बना दिया यानी कोष्ठक में बंद कर दिया। तो ये होती है बाह्य दल पुंज की। इसी प्रकार हम बात करें जो कोरोला होता है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है सी होता है, क्या होता है, सी होता है, तो ये भी अगर जुड़ा हुआ है तो कोष्ठक में बंद करेंगे, अगर पृथक है तो इस प्रकार से लिखेंगे, अगर केवल और केवल बिल्कुल पृथक नहीं है वो और आपस में सभी हैं जो, जैसे मान लीजिए पाँच है, ये पाँच लिखा हमने और पाँचों के पाँचों जो आपस में जुड़े हुए हैं तो इनको हम सी फाइव कोष्ठक में ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा क्या आता है, पुमंग आता है यानी कि एंड्रोशियम आता है। पुमंग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एंड्रो सीएम के नाम से हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, एंड्रोसीएम के नाम से जानते हैं, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये जो ए जो होता है वो भी स्वतंत्र हो सकता है, जुड़ा हुआ हो सकता है, तो अगर इनकी संख्या जैसे मान लेते हैं ग्रैमिनी के उदाहरण लेते हैं, ग्रैमिनी के अंदर तीन पुंकेसर होते हैं तो तीन हो गया, अब किसी में जुड़े हुए होते हैं तो इनको कोष्ठक में बंद कर देते हैं, अगर किसी में पृथक है तो उनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे हम बात करें जो हमारा दलहनी जो कुल होता है जिसको हम फेबेसी के नाम से या लेग्यूमिनेसी के नाम से जानते हैं, उनके अंदर एंडोसियम की जो संख्या होती है वो 10 होती है, और ये जो होते हैं पृथक होते हैं यानी कि 1+9 के रूप में ये पाए जाते हैं, किसके रूप में पाए जाते हैं, 1+9, और ये जो 9 जो होते हैं वो आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, तो इनको हम संयुक्त रूप से इस प्रकार से दर्शा देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा जायांग आता है, क्या आता है, जायांग आता है, जायांग को हम इंग्लिश में गाइनोसियम के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, गाइनोसियम के नाम से इनको जाना जाता है। जो ये गाइनोसियम जो होता है वो किस प्रकार का होता है, यानी कि एक अंडपी होता है, द्वि अंडपी होता है, या फिर त्रि अंडपी होता है, उसके आधार पर इसको लिखा जाता है। अगर ये एक अंडपी है तो एक लिख देते हैं, अगर द्वि अंडपी है तो दो लिख देते हैं, त्रि अंडपी है तो तीन लिख देते हैं, और अगर ये आपस में जुड़ा हुआ है तो ये ऐसे लिख देते हैं, अगर एक अंडपी है तो और जुड़ा हुआ है आधारीय भाग से, अगर आधारीय भाग से जुड़ा हुआ है तो उसके नीचे के क्या किया जाता है, इस प्रकार से अंडरलाइन कर दिया जाता है, अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर इस प्रकार से ऊपर की तरफ अंडरलाइन कर दिया जाता है। तो एक अंडपी है और आधारीय भाग से जुड़ा हुआ है पुष्पासन से, तो उसको हम नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ये हमारा एक पुष्प सूत्र का निर्माण हो जाता है, इसी को कहते हैं पुष्प सूत्र। इसके आधार पर हम चाहें तो एक फ्लोर जो पुष्प का जो डायग्राम होता है वो बना सकते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट फ्लोरल बायोलॉजी होता है, हमें इस सीक्वेंस से होकर गुजरना होता है तब जाकर हमारे फ्लोरल बायोलॉजी कंप्लीट होती है। इसके बाद में हमें दो चीज़ें और याद रखनी होती है, नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पर हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है कि जो भी फसल दे रखी है उसका फल प्रकार क्या होता है, यानी कि जो भी फसल दे रखी है उसके अंदर जो बीज बना हुआ है वो बीज किस प्रकार का होता है, यानी कि उसका फल होता है किस प्रकार का होता है, तो
कैरियोसिस प्रकार का है या फिर उसके अंदर फली है यानी कि पोड है, तो वो अलग अलग प्रकार का होता है। लोमेंटम हो गया किस प्रकार का है, तो वो यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे हम बात करें ग्रैमीन के अंदर कैरियोसिस प्रकार का होता है, तो वो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैरियोसिस। दलहनी के अंदर होता है, जैसे हम बात करें पोड होता है तो पोड लिख देंगे। इसी प्रकार बात करें ब्रैसिका जो होता है उसके अंदर, सरसों जो होता है उसका फल प्रकार सिलिकुआ होता है तो सिलिकुआ लिख देंगे। मूंगफली का आता है तो उसका फल प्रकार जो होता है वो लोमेंटम होता है तो वो लिख देंगे। तो किस प्रकार का है वो सारा लिखा जाता है। अब ठीक है, नंबर 10 पर आता है बीज। नंबर 10 पर हमें याद रखना है बीज, यानी कि जिस फसल का जो बीज होता है उसके अंदर कौन सा कंटेंट उपस्थित है। जैसे हम बात करें हमारा जो ग्रैमिनी कुल होता है, ग्रैमिनी कुल के अंदर जितनी भी फसलें आती हैं उनके अंदर ज़्यादातर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट की विशेषता पाई जाती है। तो हमें बीज लिखना है। अब वो बीज किस प्रकार का है, एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, किस प्रकार का वो लिखना है। तो जैसे हम बात करते हैं जो हमारे ग्रैमिनी कुल की जो फसलें होती हैं वो ज़्यादातर कैसी होती है, एक बीजपत्री होती है। तो यह बीज का जो हमें प्रकार लिखना हो क्या लिखना है, एक बीजपत्री पहला तो हो जाएगा एक बीजपत्री, और दूसरा हो जाएगा इसके अंदर एक बीजपत्री के अलावा हो जाएगा स्टार्च, एक बीजपत्री स्टार्च युक्त, या फिर हो सकता है स्टार्च की अधिकता लिए, स्टार्च की अधिकता ली है। तो बीज की क्या विशेषता होती है उसके आधार पर हमको लिखना होता है, ठीक है ना। तो बीज के अंदर क्या लिखना है, एक बीजपत्री है तो एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री है तो द्विबीजपत्री, और स्टार्च की अधिकता है, प्रोटीन की अधिकता है, या फिर रेशे की अधिकता है, उसके अंदर किसकी अधिकता है उसके बारे में लिखा जाता है। ये कंप्लीट होती है हमारा फ्लोरल बायोलॉजी। तो उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम फ्लोरल बायोलॉजी या पुष्प जो विज्ञान होता है उसके बारे में हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, तो वो सारा मैंने यहाँ पर बता दिया। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे ओवरऑल जितनी भी हमारी फसलें दे रखी हैं उनकी कॉमन फ्लोरल बायोलॉजी देखेंगे, और जो हम देखेंगे वो किसके आधार पर देखेंगे, तो फैमिली के आधार पर देखेंगे। तो कॉमन रूप से ग्रैमीनी के अंदर हमारे तीन फसलें दे रखी है, गेहूं, जौ और जई, उन तीनों की हम फ्लोरल बायोलॉजी एक साथ में देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो हमारे लेग्यूमिनेसी कुल होता है उसकी हम फ्लोरल बायोलॉजी देखेंगे। तो आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस वे में लेते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि सेशन कैसा लगा, और इसे अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।